सब्जी वाले कारोबारी और व्यापारी के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में आज ग्राहकी चहल पहल रहेगी, जिसकी वजह से व्यापारिक तेजी बनी रहेगी। भाग्य का साथ मिलने से सभी काम आसानी से पूरे होंगे और कुछ नए ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक जो आज छुट्टी वाले दिन कर रहे हैं, उन पर ऑफिस का काम का बोझ बन सकता है। अधिकारियों की वजह से परेशानियां भी हो सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो तुला राशि वाले के वैवाहिक संबंध में मिठास रहेगी और भावनात्मक स्तर पर मजबूती भी होंगे। वृद्धजनों की सेवा तथा पुण्य कार्यों पर ध्यान धन व्यस्त होने से मन में हर्ष रहेगा। सायंकाल का समय पूर्ण कार्य में लगेगा, जिससे आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। इस सप्ताह आपको अपनी बिजी जिंदगी में से कुछ पल निकालने हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना बढ़ती दिखाई देगी। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि पंचम भाव में स्थित होने के कारण इस बात का ध्यान रखें कि वह सभी निवेश योजनाएं और आपके आकर्षित कर सक रही है। इसके बारे में जल्दबाजी ना दिखाते हुए तसल्ली पक्ष गहराई से जानने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपके लिए कुछ भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के सातवें घर में स्थित होने के कारण आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे। परंतु इस दौरान आपका शराब पीकर घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है, इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि खराब ना होने दें और ऐसा कुछ भी करने से बचे जिसके कारण आपको परिवार के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़े। इस सप्ताह कार्यस्थल पर काम कम होने से आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है। ऐसे में अपने खाली वक्त का सदुपयोग करते हुए आप अपने उन सभी कामों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं जो बीते हुए दिन नहीं हो पाए थे, पिछले दिन जो नहीं हो पाए थे। यदि आपको पूर्व में कुछ विषयों को समझने में परेशानी आ रही थी तो आपको इस सप्ताह लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इस दौरान आशंका है कि आपके मार्ग में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप यदि उस समय धैर्य के साथ हर काम करेंगे तो आप हर समस्या से निकलने में सफल भी हो सकते हैं। अब बता देते हैं आपको करना क्या। प्रतिदिन आपको 15 बार ओम भगवती का जाप करना है तथा शनि देव का मंत्र जाप करना है। ये आपके कारोबार तथा नौकरी में अच्छे योग बनाएगा। धन्यवाद।